अब हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? बेसिक मेमोरी एलिमेंट दैट स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होते हैं? बेसिक मेमोरी एलिमेंट दैट स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या स्टोर करते हैं? वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। या तो ये जीरो स्टोर करेगा या वन। ठीक है, इट मीन्स इट हैज़ टू स्टेबल स्टेट, जीरो स्टेट एंड वन स्टेट। जब ये जीरो स्टोर करता है तो हम उसे कहते हैं जीरो स्टेट, जब ये वन स्टोर करेगा तो वन स्टेट। ठीक है, जीरो स्टेट को हम कहते हैं रीसेट और वन को कहते हैं सेट, सेट स्टेट। ठीक है, अब हम इसे यूजिंग नैंड गेट भी बना सकते हैं और नॉर गेट भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका बेसिक फंडामेंटल सर्किट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, बेसिक सर्किट इसका, फंडामेंटल सर्किट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें हम दो इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग नैंड गेट इन्वर्टर बनाएंगे। हो गया गेट वन, हो गया गेट टू, हो गया इसका इनपुट ए वन ए टू, आउटपुट हो गया क्यू वन क्यू टू। ठीक है, इसका आउटपुट हम इसके इनपुट से कनेक्ट कर देंगे, इसका आउटपुट इसके इनपुट से। यह है बेसिक सर्किट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अभी इसकी देखते हैं वर्किंग, ये वर्क कैसे करेगा। अब एज्यूम कर लेते हैं कि हमें आउटपुट किसी टाइम पे क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्यू वन की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो। ठीक है, अभी क्यू वन इससे कनेक्ट है ए टू से, इट मीन्स ए टू की क्या वैल्यू हो गई? ज़ीरो। अब ए टू इसका इनपुट है जी टू का, अब जी टू क्या है? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? ज़ीरो को वन कर देता है और वन को ज़ीरो, इन्वर्ट कर देता है वैल्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या मिला? ज़ीरो। तो ये इन्वर्ट करके हमें यहाँ पर क्या मिल गया? वन। इट मीन्स क्यू टू की वैल्यू क्या आ गई? वन। अब ये क्यू टू इससे कनेक्टेड है तो ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। तो ए वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? वन। अब ये इन्वर्टर क्या करेगा? उसे इन्वर्ट करके आउटपुट में हमें क्या दे देगा? ज़ीरो। तो क्यू वन की वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो। तो हमें फिर से क्यू वन क्या मिल गया? ज़ीरो मिल गया। ठीक है, इट मीन्स जो हम वैल्यू लेके चले थे वही वैल्यू हमें वापस मिल गई। अब फिर से ज़ीरो आ गया, यहाँ पर फिर से इस ए टू को ज़ीरो कर देगा, हमें आउटपुट पे वन मिल जाएगा। फिर आउटपुट पे, आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्ट है वन, तो फिर इन्वर्ट हो गया, हमें ज़ीरो मिल जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, फर्स्ट केस जब हमने आउटपुट ज़ीरो लिया, सपोज़ कि ज़ीरो था। अब हम एज्यूम करते हैं कि आउटपुट वन है, अगर हमें वन मिल रहा है तो क्या होगा? देखो, अब ये वन इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पर हमें ए टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी? वन। तो ए टू की वैल्यू क्या आ गई? वन। अगर हम क्यू वन सपोज कर रहे हैं कि वन लिया, ठीक है, ए टू वन हो गया, अब ये इन्वर्ट कर देगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा? ज़ीरो। तो मतलब क्यू टू की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो। अब क्यू टू ए वन से कनेक्ट है तो यहाँ पर भी आ जाएगा ज़ीरो। अब ये इन्वर्टर इसे इन्वर्ट करके आउटपुट पे हमें क्या दे देगा? वन। तो ए वन की वैल्यू आ गई वन। इट मीन्स क्यू वन की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी, ए वन इन्वर्ट करके आउटपुट क्या दे देगा? वन। तो ए वन यहाँ पर क्या था? ज़ीरो था। ठीक है, अब हमें आउटपुट पर क्या मिल गया? वन, क्यू वन पे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इट मीन्स अगर हम सपोज एज्यूम कर रहे हैं कि आउटपुट पे हमें वन लेके चल रहे हैं तो हमें वापस वन ही मिल रहा है। ठीक है, अब इस सर्किट से क्या कंक्लूजन निकला? फर्स्ट पॉइंट इज कि क्यू वन एंड क्यू टू की वैल्यू, अगर क्यू वन की वैल्यू ज़ीरो है तो उस टाइम पे क्यू टू की वैल्यू हमें वन मिल रही है। ठीक है, अगर Q1 की वैल्यू 1 है तो Q2 की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। इट मीन्स Q1 एंड Q2 आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, ये ऑलवेज क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो अगर एक Q होगा तो दूसरा Q बार होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें क्या पता चला कि इट हैज़ टू स्टेबल स्टेट, एक तो ज़ीरो स्टेट जब उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिल रही है, एक वन स्टेट जब उसकी वैल्यू हमें वन मिल रही है। ठीक है, ज़ीरो मीन्स रीसेट और वन मीन्स सेट स्टेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या पता चला कि क्यू की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वो कंटिन्यूस ज़ीरो ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही। अगर क्यू वन की वैल्यू वन है तो कंटिन्यूस वन ही रह रही है आउटपुट में, मतलब अगर हमें ज़ीरो मिल रहा है तो वो ज़ीरो ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। ऐसे ही वन मिल रहा है तो वन ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेमोरी। ठीक है, कि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो इट स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, तो ये है बेसिक सर्किट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब इसमें हम इस सर्किट में
कोई हम एक्सटर्नल इनपुट नहीं दे सकते जिससे अपने अकॉर्डिंग उसे आउटपुट पे हम अपने अकॉर्डिंग ज़ीरो या वन सेट कर सकें, मतलब आउटपुट पे हमें आउटपुट को हम सेट या रीसेट कर सकें अपने अकॉर्डिंग। तो इस पे कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं दे सकते थे हम, ठीक है। जैसे ही पावर ऑन होती है तो कोई भी एक स्टेट में चला जाता है, या तो ज़ीरो में या वन में अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको एक्सटर्नल इनपुट देने के लिए हम यूज़ करेंगे टू इनपुट नैंड गेट। तो टू इनपुट नैंड गेट यूज़ करेंगे, ये टू इनपुट नैंड गेट हो गया। अब एक इनपुट इसके आउटपुट से कनेक्ट हो गया, दूसरा इसके आउटपुट से, और एक इनपुट पे दें, एक जो इनपुट है इसका, इस पे हम देंगे एक्सटर्नल इनपुट, ठीक है। तो यूजिंग इन्वर्टर हम इनपुट देंगे, इन्वर्टर के थ्रू देंगे, इसके इन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इसे मान लेते हैं एस, इसे मान लेते हैं आर, ठीक है। तो आउटपुट हो गया क्यू क्यू बार, ठीक है। यह है बेसिक सर्किट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं वर्किंग, ये कैसे वर्क करेगा सर्किट। इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। एस और आर हो गए दो इनपुट हमारे पास, क्यू और क्यू बार हो गए आउटपुट, ठीक है। अब दो इनपुट हैं तो फोर पॉसिबिलिटी होंगी इनपुट की, टू टू द पावर टू इज फोर, ठीक है। तो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो और वन वन, ठीक है। अब अगर दोनों इनपुट ज़ीरो होंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ डाल के देखो, ज़ीरो 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 हो गया। अब ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करेगा, ज़ीरो को वन कर देगा, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, वन। अब ये भी ज़ीरो इन्वर्टर है तो ज़ीरो को क्या कर देगा, ये वन। अब ये दोनों वन हो गए इस गेट के लिए। अब तो इन दोनों गेट की वैल्यू डिपेंड करेगी इनके दूसरे इनपुट पे, इस वाले पे और इस वाले पे, क्योंकि ये दोनों तो वन हो गए। अब ये इनपुट है क्यू बार और ये वाला इनपुट है क्यू, मतलब क्यू और क्यू बार की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब क्यू की जो प्रीवियस वैल्यू रही होगी, सपोज़ कर लेते हैं, मान लिया ज़ीरो इसकी प्रीवियस वैल्यू रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट मिलेगा हमें। तो देखो, इस गेट के लिए ये इनपुट क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है। अब ये वन ज़ीरो हो गया, तो नैंड गेट का अगर एक भी इनपुट ज़ीरो हो जाएगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, वन। अब ये वन इसको वन कर देगा, अब दोनों इनपुट वन हो गए तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। नैंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, दो इनपुट हैं, आउटपुट हो गया ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन वन, वन ज़ीरो। अगर एक भी इनपुट ज़ीरो होगा तो आउटपुट में हमें वन मिलता है और नैंड गेट, ठीक है। अब ज़ीरो वन के लिए क्या होगा, वन मिलेगा, वन वन, दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट में हमें ज़ीरो मिलेगा। अब एक भी इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, वन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट पे यहाँ पर क्या मिल गया, ज़ीरो। इट मीन्स अगर प्रीवियस वैल्यू ज़ीरो है तो आउटपुट भी हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। अगर सपोज़ कर लेते हैं प्रीवियस वैल्यू मान लिया वन थी यहाँ पर, तो क्या होता उस केस में, यहाँ पर वन है तो इसको ये वन कर देता, इसके एक इनपुट को, ये दोनों इनपुट वन हो गए तो आउटपुट में हमें क्या मिला, ज़ीरो। अभी ज़ीरो इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो एक भी ज़ीरो हो गया तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, वन। तो आउटपुट क्या हो गया, वन। इट मीन्स अगर प्रीवियस वैल्यू वन है तो आउटपुट भी वन ही होगा, मतलब उसकी प्रीवियस वैल्यू ही आएगी। इट मीन्स अगर दोनों इनपुट ज़ीरो हो गए तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, क्यू की प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, और क्यू बार की भी प्रीवियस वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, जब एस ज़ीरो है और आर वन है, उस केस में क्या होगा, ठीक है। अब S ज़ीरो हो गया और R वन, इस केस में क्या होगा, ज़ीरो को इन्वर्ट करके वन आ जाएगा, वन को इन्वर्ट करके ज़ीरो आ गया, इधर ये इन्वर्टर हैं दोनों। अब एक भी ज़ीरो होगा तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, वन। इस गेट के लिए एक इनपुट ज़ीरो हो गया, इट मीन्स आउटपुट तो वन है। अब ये वन इधर आ गया, ठीक है। तो दोनों इनपुट वन हो गए तो आउटपुट पे हमें क्या मिल गया, ज़ीरो। इट मीन्स क्या आउटपुट मिला हमें, क्यू की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो, और क्यू बार की क्या आई, वन, ठीक है। ये हो गया इस केस में जब S ज़ीरो था और R वन है, ठीक है। अब सेकंड केस, जब S वन है और R ज़ीरो हो, तब उस केस में क्या होगा, ठीक है। अब S हो गया वन और R हो गया ज़ीरो, उस केस में देखो, अगर एक भी ज़ीरो है तो, नहीं सॉरी, अब ये ज़ीरो है तो यहाँ इन्वर्ट होके वन हो गया। अब वन है, यहाँ पर इन्वर्ट होके क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब इधर नैंड गेट है, नैंड गेट को एक भी इनपुट ज़ीरो मिल गया तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, वन। अब ये वन इससे कनेक्ट है, यहाँ वन आ गया तो वन वन, इन्वर्ट होके क्या मिल जाएगा हमें, ज़ीरो,
दोनों आउटपुट वन इनपुट वन है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो क्या आउटपुट मिला हमें, क्यू बार, क्यू की क्या वैल्यू आई, वन, और क्यू बार की आई, ज़ीरो। ठीक है, लास्ट केस, अब जब दोनों इनपुट वन होंगे तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अब एस की वैल्यू भी वन है और आर की वैल्यू भी वन है, तो ये दोनों दोनों आउटपुट क्या हो जाएंगे इन्वर्टर्स के, ज़ीरो। ठीक है, अब नैंड गेट का एक भी आउटपुट इनपुट ज़ीरो होगा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वन, और इधर भी ज़ीरो है, इट मीन्स आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, वन। तो दोनों वन हो गए, और ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, एक क्यू था तो दूसरा क्यू बार था, इन्वर्टेड आउटपुट थे, इट मीन्स ये कंडीशन क्या है, ये कैंसिल कर देंगे हम कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये नॉट अलाउड, क्योंकि ये कंडीशन नॉट अलाउड है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दोनों आउटपुट हमारे वन हो जाए। ठीक है, तो ये नॉट अलाउड कंडीशन होगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों की वैल्यू वन हो एक टाइम पे। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, नॉट अलाउड कंडीशन। तो ये था बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप।